शॉर्ट टाइम एंड ट्रिक्स के पार्ट 59 में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आपको बताएंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर एक ट्रिक, जिस ट्रिक की मदद से टाइम एंड वर्क के ऊपर इस टाइप क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत ही आसानी से शॉर्ट टाइम के अंदर निकल सकेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में होगा इसी टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चन जो कि इसी वीडियो के ट्रिक की मदद से आपको सॉल्व करना है। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो चलिए एट फर्स्ट ट्रिक देखने से पहले ट्रिक का एट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि 12 मैन किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं एंड 8 वोमेन उसी काम को 16 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर पूछे कि 9 मैन एंड 12 वोमेन एक साथ उसी काम को कंप्लीट कर पाएंगे और यहां पर ऑप्शन देगा तो सिंपली देखिए, मान लीजिए ए मैन x डेज में एंड बी ओमैन y डेज में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, देन A1 मैन एंड B1 वोमेन एक साथ उसी काम को कंप्लीट कर पाएंगे। और यहां पर ट्रिक क्या है, ट्रिक है 1 upon A into x plus B1 upon B into y, B y डेज में x, A जो कि x डेज में, सो A into x B into y। तो सिंपली यहां पर डेज में कंप्लीट कर पाएंगे तो सिंपली A1 A x B1 B y का मान पुट कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली देखिए 1 upon A1 upon A into x, A1 9 A into x जो कि A 12 into 8 प्लस B1 12 upon B into y, B8 into y 16। और ये पर कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा और ये पर 4 और ये पर 4 से कैंसिल होगा 3 एंड ये पर 4। सो देखिए 4 into 8 तो सिंपली 1 upon 32 LCM होगा एंड ये पर 3 plus 3 कर लीजिए यानी कि 32 upon 3 plus 3 जो कि 6 और ये पर 5 से कैंसिल होगा जो कि 5 and 2 upon 6 जो कि 1 upon 3 आपका आंसर, जो कि 5 and 1 upon 3 डेज जो कि ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। तो चलिए इसी ट्रिक की मदद से और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, 20 मैन किसी काम को 12 डेज में एंड 16 वोमेन उसी काम को 18 डेज में, सो 10 मैन एंड 12 वोमेन उसी काम को कंप्लीट कर पाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन देगा तो सिंपली देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है 1 upon A1 upon A into x प्लस B1 upon B into y। और ये पर A1 A x B1 B y A x डेज में, B y डेज में एंड A1 B1 उसी काम को कंप्लीट कर पाएंगे इतना डेज में। और ये पर 1 upon A1 upon A into x, A1 10 upon A into x जो कि 20 into 12 प्लस B1 12 upon B into y जो कि 16 into 18 डेज में। और ये पर कैलकुलेशन कर लीजिए जो कि आपका आंसर होगा 6 and 2 upon 3 डेज जो कि ऑप्शन सी आपका आंसर। और यहाँ पर फाइनली आपके लिए 2 क्वेश्चन जो कि वीडियो को एट फर्स्ट पॉज कर लीजिए देन इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए और आंसर निकालने के बाद आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।